हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल बाबा। तो ये हमारी एक जो सीरीज चल रही है 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, जिसमें भी जीएस आनी है। तो इस सीरीज़ के हमने पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस करे थे, हिस्ट्री के करे हैं क्वेश्चंस 100, ज्योग्राफी के हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट टू, इसमें हम बचे हुए 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस जो आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको पुरानी वीडियोस जिसने नहीं देखी है तो वो पहले पुरानी वीडियोस देख ले, वो भी सेम वीडियोस है, बहुत अच्छी वीडियोस है, बहुत ही हमने वेल क्यूरेटेड क्वेश्चंस लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, क्योंकि वो पेट क्वेश्चंस होते हैं जीके के, जो एसएससी या कोई भी और एग्ज़ाम बार बार पूछते हैं, जो कि आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिए। तो आइए हम इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है कि खासी ट्राइब्स लिव इन, खासी जनजाति जो है वो कहाँ रहती है? तो वो रहती है हमारी मेघालय में। ठीक है, खासी जाति हमारी कहाँ रहती है? मेघालय में। नागर होल नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ द डैश बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान नागर होल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो वो किसका हिस्सा है? नीलगिरी का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसका हिस्सा कौन सा है? नागर होल नेशनल पार्क, नागर होल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द पुष्कर फेयर हेल्ड, पुष्कर का जो मेला है वो कहाँ लगता है? पुष्कर का मेला कहाँ पे लगता है? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि पुष्कर भी कहाँ पे है? राजस्थान में ही है, इसलिए पुष्कर का मेला कहाँ लगेगा? राजस्थान में लगेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन रिवर्स इज क्लोज टू डैट पार्ट्स पर मिलियन, जो नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है कितने प्रति मिलियन भाग होती है? इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन के अंदर, मतलब रिवर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो कितने पार्ट्स होती है पर मिलियन? तो वो होती है 5 parts per million, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 5 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? इसका मतलब ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन होता है तो किसके एक्सेसिव ग्रोथ के साथ पता लगाया जा सकता है? तो होता है लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स बोलते हैं इनको हम, इनके ग्रोथ से हमें पता लगता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारा वीनस। ठीक है ना, और पर सबसे जो क्लोजेस्ट है वो मर्क्यूरी है हमारा, सन के, सन के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? मर्क्यूरी है, तब भी वो सबसे गर्म है, सबसे गर्म नहीं है वो। जो सेकंड नंबर का प्लैनेट है हमारा वीनस, वो सबसे गर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि वीनस पे क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है, इस वजह से वो क्या है? ज़्यादा गर्म है मर्क्यूरी से। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है वो। व्हाट डज BOD5 रेफर्स टू, BOD5 किससे संबंधित है? तो BOD5 हमारा क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days, हमें कितनी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड चाहिए 5 दिनों में, इसको हम क्या बोलते हैं? BOD5। कान्हा नेशनल पार्क सेविंग द रेयर एंड मोलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ द स्वाम डियर ऑल्सो नोन एज, कि कान्हा नेशनल पार्क में ऐसी कौन सी स्पीशीज है, मतलब हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। कान्हा नेशनल पार्क जो कि स्वयं हिरण का की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाता है, जिसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो स्वाम डियर को हम किस रूप से भी जानते हैं? और बारा सिंघा के नाम से। ठीक है, बारा सिंघा भी जानते हैं हम इसको, स्वाम डियर। Which of the following gases, if present in the atmosphere, can be detected by its odor? इनमें से कौन सी गैस है एटमोसफेयर के अंदर जिसको हम उसकी स्मेल करके पता लगा सकते हैं उसके बारे में? निम्नलिखित गैसों में से कौन सा वायुमंडल में उपस्थित है जिसकी गंध से पता लगा सकते हैं? तो वो होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर सकते हैं हम उसको, उसकी गंध से बता सकते हैं कि क्या है वो। विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा किस गैस का योगदान है? तो किस गैस का है? वाटर वेपर्स। ठीक है, जो पानी के जो वेपर्स होते हैं उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ठीक है, द सॉइल फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया के, जो ये वाले हैं ईस्टर्न कोस्ट और जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया के, यहाँ पे हमारी कौन सी हमारी जो वो मिलती है, हमें मिट्टी कौन सी मिलती है वहाँ पे हमें? तो हमें मिलती है लेटराइट। ठीक है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाया गया मिट्टी है लेटराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस,
इनमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस हमारी नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है. जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारा CO जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं है ये ग्रीन हाउस गैस हमारी. अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ लैंडमार्क विच हैज़ बिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय, एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक रूप से डैश द्वारा स्वीकार किया जाता है. तो वो कौन करता है उसको, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्वीकार किया, हाँ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये बताएगा कौन हमें. हमने बोला कि एक जो हमारे पास प्लेस है ये हमारा क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व विरासत स्थल है वो एक, तो बताएगा कौन वो हमें, तो वो बताता है हमें यूनेस्को. ठीक है, यूनेस्को हमें क्या बताता है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. मार्बल इज अ मेटाफोरिक रॉक ऑफ संगमरमर डैश की एक कायांत्रित चट्टान है, तो वो कौन होता है, लाइमस्टोन की एक कायांत्रित चट्टान है. ठीक है ना, लाइमस्टोन जो मार्बल क्या है, मेटाफोरिक रॉक है किसकी, लाइमस्टोन की. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेन, इनमें से कौन सी जो प्रोसेस है, ठीक है, जो बारिश को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, कौन सी प्रक्रिया है जो बारिश को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, तो वो है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन. इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ठीक है. एक डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू एक डिग्री अक्षांश डैश के बराबर है, कितने के बराबर है, 111 किलोमीटर के बराबर है. ठीक है, 111 किलोमीटर के बराबर है वन डिग्री ऑफ लैटिट्यूड या वन डिग्री अक्षांश. स्प्रिंग टाइड्स अकर व्हेन, स्प्रिंग टाइड्स कब आती है, वसंत की ज्वार भी बोलते हैं इसको हिंदी में हम, तब आती है जब मून सन और जो अर्थ है वो एक ही लाइन के अंदर होते हैं. ठीक है, कब आती है ये, जब मून सन और जो अर्थ है वो एक ही लाइन के अंदर होते हैं. ठीक है, और एक किंग टाइड भी होती है हमारी, किंग टाइड, ये कब आती है हमारी, न्यू मून या फुल मून के टाइम पे, न्यू मून या फुल मून के टाइम पे. ठीक है, और एक होती है नीप टाइड. ठीक है, ये नीप टाइड कब आती है, जब सन और जो मून है ना वो कब, कहाँ पर होते हैं, 90 डिग्री पर, मतलब 90 डिग्री एंगल पे जो हमारे सन और जो मून होते हैं तब आती है हमारी नीप टाइड. किंग टाइड होती है मून, ठीक है, न्यू मून और फुल मून के टाइम पे आती है. स्प्रिंग टाइड्स कब आती है, जब मून सन और जो अर्थ है वो कहाँ पर है, एक एक लाइन में, सन यहाँ पर है, आपकी अर्थ यहाँ पर है और मून यहाँ पर है, तो ये तीनों क्या है, एक लाइन के अंदर आ गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड. स्प्रिंग टाइड तब आती है. फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स सबसे पहले कौन सी कंट्री ने लगाया था, तो वो था न्यूजीलैंड जिसने सबसे पहले कार्बन टैक्स लागू किया था. कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ट्रोपोस्फेयर इज, हमारा एक जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है उसके अंदर पानी की जो वाष्प की प्रतिशत है वो कितनी है, तो वो है 0 से लेकर 4%. वॉट इज मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, औसत तापमान है पृथ्वी का 16 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारी, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, औसत तापमान जो है हमारा अर्थ का. सडन फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग, बैरोमेट्रिक रीडिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ, बैरोमेट्रिक रीडिंग की अचानक गिरावट किसका संकेत होती है, तो वो होती है स्ट्रॉम का. क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत जल्दी से नीचे जाता है. बैरोमीटर जो होता है हमारा क्या करता है, प्रेशर चेक करता है, तो उसकी रीडिंग जब एकदम से नीचे जाएगी तो उससे क्या होगा, हमें पता लगेगा हमें स्ट्रॉम आने वाला है हमारे एरिया में. वॉट आर इक्विनॉक्स डेज, विषुव, विषुव दिन क्या होते हैं, विषुव दिन वो होते हैं जब हमारे दिन और रात जो है बिल्कुल इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विषुव. इफ अ स्टार इज बिगर देन सन बट नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग, इट विल टर्न इन टू अ, इसका मतलब है कि एक स्टार है हमारे पास, ठीक है, एक स्टार जो है हमारा सन से बड़ा है, पर जो इतना बड़ा भी नहीं है कि उसकी दो गुना हो वो, ठीक है, तो वो किस में बदल जाएगा, एक वो बदल जाएगा पल्सर के अंदर. मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेनली कंस्टिट्यूटेड बाय, जो हमारा अर्थ की जो जमीन है, ठीक है, इसके नीचे ये मेजरली किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बना हुआ है. पृथ्वी की जो पपड़ी है उसका प्रमुख अंश मुख्य से किस रूप से बना हुआ है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन. सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम, चलो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि ब्राइटेस्ट स्टार जो हमारा है सौर मंडल के बाहर सबसे जो उज्ज्वला सितारा है, उज्ज्वल सितारा सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो कौन सा है, सीरियस. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको और क्या बोलते हैं हम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉग स्टार भी बोलते हैं. ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, डॉग स्टार भी बोलते हैं। हु डेवलप द आइडिया ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का जो विचार था किसने विकसित किया था, टर्निप टाउनसेंड ने, किसने, टर्निप टाउनसेंड ने जो हमारा क्रॉप रोटेशन का जो आइडिया था वो उसने विकसित किया था। द ओनली प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है, ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसकी जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो ज़्यादा है किससे, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन से। तो ऐसा हमारा कौन सा है क्या कहते हैं, ऐसा प्लैनेट कौन सा है, वीनस है, ठीक है, शुक्र ग्रह जो है वो है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट विंटर सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व इन सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, इसका मतलब है निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जा सकता है, तो कब देख सकते हैं उसको हम 21 जून को, ठीक है, 21 जून को हम जो है विंटर सोलिस्टिस देख सकते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में। स्टैलेगमाइट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल डेपोजिशन दैट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टैलेगमाइट एक कार का विशेष, एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो ये किसके कारण होती है, हमारी अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जो पानी है उसके कारण हमारा एक जो है ये निक्षेप होता है, विशेष निक्षेप है, स्पेशल डिपोजिशन किसके वजह से होती है, स्टैलेगमाइट अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, रेनफॉल के लिए कौन से जो हमारे क्लाउड्स हैं वो उत्तरदायी है, तो वो कौन से, हमारे क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस। झूम कल्टिवेशन रेफर्स टू, झूम कल्टिवेशन हम किसको कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरण कृषि, ठीक है, स्थानांतरण कृषि को किसको कहते हैं, झूम कृषि संबंधित है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज हाईएस्ट बायोमास, निम्नलिखित में से किसी परिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है, तो वो कौन है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर हमारा सबसे हाईएस्ट बायोमास होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप, निम्न कौन सी एक नकदी फसल नहीं है, नकदी फसल कौन सी नहीं है, हमारी ज्वार, ज्वार जो है हमारी एक नकदी फसल नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हमारी एक नकदी फसल है, ठीक है, तो इसका आंसर है ज्वार। नेशनल वाटरवे टू इज ऑन विच वाटर सिस्टम, जो हमारा नेशनल वाटरवे टू है ये हमारे कौन से वाटर सिस्टम पे है, तो ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, रिवर ब्रह्मपुत्र। व्हाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का है अपना एटमॉस्फेयर क्यों है, अपना वायुमंडल क्यों है अर्थ का, वायु की वजह से नहीं, विंड्स की वजह से नहीं है, क्लाउड्स की वजह से भी नहीं है, रोटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटी, ठीक है ना, ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपना अर्थ का एक खुद का एटमॉस्फेयर है। अ लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज कंपोज पार्शली ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये क्या है, आयनोस्फेयर, आयन आयन आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया क्या, आयनोस्फेयर। ये जो होता है आयनोस्फेयर हमारा, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन से मिलकर बना है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है आयनोस्फेयर हमारा। द मोस्ट सीरियस एयर पॉल्यूटेंट कॉजिंग हेल्थ हैजर्ड इज, सबसे गंभीर वायु प्रदूषक स्वास्थ्य खतरा पैदा कर रहा है, ऐसा कौन सा है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो सबसे जहरीला और सबसे खतरनाक पॉल्यूटेंट है, जो हमारी हेल्थ को बहुत ही डिग्रेड करता है, ठीक है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है हमारे वर्ल्ड के अंदर, वो है सी, कूड़ा और कचरा, ठीक है, सीवेज एंड गार्बेज, सबसे बड़ा जो है हमारा खतरा, मतलब खतरा कह लो या बड़ा, सबसे बड़ा स्रोत है प्रदूषण का। एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर बाय, जो हमारी एसिड रेन होती है वो किसके द्वारा होती है, कौन से प्रदूषण के द्वारा होती है, तो वो होती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर याद रखना इसके अंदर, नाइट्रोजन सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं उसकी वजह से हमारी एसिड रेन होती है। द वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स आर कॉज्ड बाय, गर्म एक ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती हैं, तो ये किसके कारण चलती है, प्रिवेलिंग विंड्स, अर्थ रोटेशन, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सी, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, मतलब इस तीनों की वजह से, प्रचलित हवाओं की वजह से भी होता है वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स, पृथ्वी एक घूमे की वजह से भी होता है, समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन की वजह से भी होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन ऑफ अर्थ
when it is at the greatest distance from the sun. What is, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, कि जो अर्थ है सबसे greatest distance पे होता है, जैसे अगर सन है ठीक है और ये अर्थ उसके आसपास घूम रही है, तो जो ये डिस्टेंस है ये सबसे ज़्यादा कब होगा, मतलब जब होता है तब उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हम एफेलियन, ठीक है एफेलियन, एफेलियन बोलते हैं इसको, ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं हैं जो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है, ठीक है. भारत के उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा हो गया, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो मतलब ये वाले भाग पे जो हमारी हवाएं चलती है ठीक है भूमध्य सागर से, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मतलब कौन सी हवाएं होती है वो, तो वो होती है हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है ना. मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मतलब वेस्ट की साइड आ रही है हमारी, तो हम क्या बोलेंगे उसको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज नोन एज, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम, कोरोना कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरोना. Which of the following is the world's top environmental conservation award? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, कौन सा है वो, गोल्डन पांडा अवार्ड. गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है. What is the southern most point of our country? मतलब सबसे नीचा जो पॉइंट है हमारी कंट्री का वो कौन सा है, तो उसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट. क्या बोलते हैं उसको, पिग्मेलियन पॉइंट. What is the approximate time difference between eastern most and western most point of India? मतलब ये eastern most point है और ये western most point है, तो इनके बीच में टाइम का डिफरेंस है इन दोनों बिंदुओं के बीच, तो वो क्या है हमारा टाइम का डिफरेंस, तो वो है 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस है, ठीक है. What percentage of total surface area of the world does India constitute? अगर हम पूरे वर्ल्ड को बोले कि 100% है वो, तो इंडिया कितना लेता है उसमें से, तो इंडिया क्या है, 2.4% हमारा एरिया लेता है, सरफेस एरिया जो टोटल. देहरादून इज लोकेटेड इन विच हिमालयन रेंज, देहरादून किस हिमालय श्रेणी में आता है, तो देहरादून कौन सी हिमालय श्रेणी में आता है, शिवालिक रेंज में, ठीक है, किस में आता है, शिवालिक रेंज में आता है हमारा देहरादून जो है. विच प्लेट्यू प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मानसून, भारतीय मानसून के निर्माण में कौन सा पठार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब क्या है, भारत का जो मानसून आता है तो उसमें कौन सा जो पठार है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन सा है वो हमारा पठार, तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू जो है हमारा, तिब्बतन पठार वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है. अमेजॉन रिवर ड्रेन्स इन टू विच ओशियन, अमेजॉन जो रिवर है हमारी ये कौन से ओशियन में जाके मिलती है हमारी, तो वो हमारी मिलती है अटलांटिक ओशियन में जाकर, ठीक है, अमेजॉन रिवर कहाँ पर मिलती है, अटलांटिक ओशियन में जाकर. विच इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट कॉल्ड, उनके प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं पेडोलॉजी. स्टडी ऑफ सॉइल्स जो नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है उसको हम बोलते हैं पेडोलॉजी. वॉट इज द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन रिलेटेड टू द ऑर्बिटल प्लेन, मतलब जो हमारी अर्थ है ना वो हल्की सी टिल्ट है एक एक्सिस पर, ठीक है, तो वो ये एंगल कितना है जिस एक्सिस पर वो टिल्ट है, तो वो है 23.5 डिग्रीज, ठीक है, क्या है, 23.5 डिग्रीज आंसर है हमारा. तो अभी हमने 50 से 52 क्वेश्चन करे हैं इस वीडियो के अंदर, और थोड़ी सी स्पीड मैं अपनी तेज़ रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाऊँ, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम कौन सा सब्जेक्ट का लाते हैं, हो सकता है कि हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक का 100 क्वेश्चंस वापस स्टार्ट करें, तो वेट करिए उस वीडियो का. तब तक के लिए मैथ्स की हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेट में ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर वीडियो पसंद आई तो, लाइक भी करें, और हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, टेलीग्राम पर हमें फॉलो करें, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है.